नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा जिले के ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान जनपद पंचायत हनुमना में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच और सचिव पर पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा एवं कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। शिकायत करने आए ग्रामीणों द्वारा पंचायत ढाबा तिवरियान जनपद पंचायत हनुमना में मनरेगा एवं पंच परमेश्वर योजना में व्यापक भ्रष्टाचार, मनरेगा के कार्यों में फर्जीवाड़ा, गुणवत्ताहीन कार्य, बिना कार्य किए ही पैसा निकाल लेना आदि में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के जांच कराने की बात कही है। शिकायतकर्ता रोहित कुमार तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान पंचवर्षीय वर्ष 2014 से आज दिनांक तक पंचायत कार्यों में निरंतर भ्रष्टाचार, अनियमितता हो रही है, जिसकी शिकायत संबंधित जनपद पंचायत हनुमना एवं सीएम हेल्पलाइन में ऑनलाइन शिकायत की गई। आज ये मामला लेके आए लोगों के साथ, क्या है मामला? बेसिकली ये ढाबा तिवरियान एक ग्राम पंचायत है हनुमना जनपद की। हमारे साथ रोहित तिवारी, जिनसे अभी आपने बात की, कई महीने से हमारे संपर्क में थे और ट्विटर वगैरह में भी कई बार जो जिला कलेक्टर हैं, जिला कमिश्नर हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, सबको टैग करके इन्होंने अपनी समस्या बताई। ढाबा तिवरियान में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, इनके पास पूरा पुख्ता प्रमाण है, इन्होंने सब चीज़ें बता ही दी हैं आपको। अब सवाल ये है कि इसकी जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जैसे सभी पंचायतों में होता है कि भाई शिकायतों पर जाँच नहीं हो रही है, अब ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है, ये सीईओ जिला पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जाँच करवाएँ। एक जांच हुई थी जिसमें 33 लाख की रिकवरी भी बनाई गई, लेकिन अब तक वहां पे सचिव को वहां से हटाया नहीं गया है और उनका वित्तीय प्रभार नहीं छीना गया है, तो अभी भी वो वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निरंतर पैसा निकल रहा है पंच परमेश्वर और इन सब योजनाओं से। तो हमारा इस सब में यही कहना है कि सबसे पहली बात तो एक स्वतंत्र टीम गठित करके रीवा ज़िले की 827 पंचायतें हैं, सबकी विधिवत जाँच करवा ली जाए और ये पूरी इनकी रिकवरी बनती है। शासन के खजाने में जाना चाहिए क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इस विषय में आग्रह करूंगा कि 23,922 जो पंचायतें हैं जिनमें जमकर 14वें वित्त आयोग की 13,500 करोड़ की राशि पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो 15वें वित्त आयोग की राशि आई है उस पर बंदरवाड़ जारी है, सरपंचों को 5 साल में हटा करके अगला चुनाव होना था तो आज 7वां साल चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि देश में लोकतंत्र है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब चिंता का विषय है और जनता के पैसे में निरंतर पंचायतों के द्वारा डांका डाला जा रहा है, इस पर कार्यवाही हम चाहते हैं। और इनके साथ हम शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, क्या मामले लेके आए, क्या समस्या है? हमारे पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार है जिसकी शिकायत कई बार कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, सीईओ सबको की गई, पर यहाँ से कोई कार्रवाई की ही नहीं जा रही है। बार बार शिकायत करता है, इसलिए हम आज पूरे उससे आए हैं कि धरना बैठेंगे। अगर हमारे शिकायत पे निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग धरने पे आए बैठेंगे आज। ये कहाँ का मामला है? एक हनुमना जनपद के ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान का है। किनके द्वारा किए गए हैं? ये हमारे सरपंच श्री श्रीमती सीता शुक्ला एवं सचिव रामदास द्विवेदी। किस किस कार्य में अनियमितता की गई? वहाँ पे 3 सड़कें बनवाई गई हैं, जैसे वार्ड 9-10 जो सड़क जमीन पे उपलब्ध नहीं है, वार्ड 8-12 ग्रेवल सड़क जमीन पे उपलब्ध नहीं है, वार्ड शौचालय को लेकर भी काफ़ी भ्रष्टाचार है सुनने में आ रहा है। काफ़ी 601 लोगों के शौचालय का सूची मेरे पास उपलब्ध है, जिनमें से एक को भी उसके खाते में वो नहीं प्राप्त हुई है, राशि प्राप्त नहीं हुई है, ना ही शौचालय कहीं बना हुआ है, जिसकी शिकायत मैं कई बार जिला पंचायत सीईओ से कर चुका हूँ, पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रोहित कुमार तिवारी, सार्वजनिक शौचालय कहाँ के रहने वाले हैं जी? ढाबा तिवरियान। क्या